नमस्कार साथियों, साथियों आपका फिर एक बार अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज एक माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पर विचार करेंगे। और वो प्रश्न यह है कि जो सूर्य है वो सुबह सुबह लाल क्यों प्रतीत होता है, लाल रंग का क्यों दिखता है। तो आप देखें कि सुबह जो सूर्य है वो हमारा क्षितिज के पास होता है, दोपहर में ऊपर आ जाता है और सुबह और शाम को वो क्षितिज के पास होता है, तो क्षितिज के पास होने के कारण सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वे लंबा रास्ता तय करती हुई निरीक्षक या ऑब्जर्वर तक आती हैं, हम और आप तक आती हैं। लंबा रास्ता तय कर रही हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा रास्ता तय करके आती हैं। और जो हमारा एक थिक एटमॉस्फियर है, जो हमारा पृथ्वी का जो वातावरण है उसको भी क्रॉस करती हुई आती हैं। तो जब ये लंबा रास्ता तय करती हुई आती हैं तो होता ये है कि जो ब्लू कलर का, जो ब्लू मतलब जो सूर्य की रोशनी में जो ब्लू कलर है वो ऑलरेडी स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में और भी आगे बात करेंगे। ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है और केवल जो रेड कलर है वो हमारे पास आँखों के पास आता है, इसलिए सुबह सूर्य जो है वो लाल प्रतीत होता है। इसी तरह से जब आप देखेंगे जब सूर्यास्त भी होने लगता है तब भी आप उसका रंग ज़्यादा लाल की तरफ दिखाई देगा, क्योंकि फिर से एक बार वो क्षितिज की तरफ जाने लगता है और फिर वही दूरी बढ़ जाती है और वातावरण पार करके आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस ढंग से सूर्य हमारा हमें लाल रंग का प्रतीत होता है सुबह और शाम। नमस्कार, इतनी बात करेंगे और अभी आगे और आपसे बात करते हैं कि किस तरह से कुछ और मुद्दे जो बच्चों को बड़े ही रुचिकर लगते हैं। धन्यवाद।